जय बाबा की जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है तुमका एक बार फिर से हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। और मैं अभी हूँ पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन में और हमारे साथ है बड़े भैया और ये भी बड़े भैया। और मैं आपको बता दूं कि आज मतलब जो ये हम ट्रैवल कर रहे हैं ये हमारी जर्नी हो रही है ट्रेन से, बाई ट्रेन हम जा रहे हैं जयपुर। और वैसे आपको पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हमारा इस साल का पहला वीडियो जो है वो खाटू श्याम मतलब जाते हुए बन रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और भैया लोग भी साथ में हैं। बाकी आप सभी लोग एक बार जय श्री राम लिख देना, क्योंकि आज 20 जनवरी है और 22 जनवरी को आपको पता है कि हमारे राम जी आ रहे हैं अपने अयोध्या, तो वहाँ तो जा नहीं पाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत भी होगी और यार प्लान नहीं बन पाया। वैसे जाएंगे अयोध्या, क्योंकि आपको पता है यार हम तो राम राम तो हमारे कन कन में बसते हैं और हमारे हृदय में बसते हैं। बाकी अभी चलते हैं। और जो आपको ये सामने ट्रेन दिख रही है ये आप एक बार देख लीजिए, इसी से आज का ये हमारा सफर होने वाला है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से मतलब निकलती है 9:20 पे, जो कि ये है मंडोर सुपर फास्ट एक्सप्रेस 22:99। और अभी टाइम हो रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, अब 8:48 हो रहा है, तो कुछ टाइम में निकल लेगी। और हम थोड़ा लेट हो गए थे इसके बैठने को नहीं मिला, क्योंकि जनरल का सफर होने वाला है जनरल डिब्बे से। वैसे आपको बता दूं कि ये जो हमारा टिकट है वो सिर्फ 140 का पड़ा है। तो हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप जयपुर दिल्ली से सबसे सस्ती यात्रा कैसे कर सकते हैं, मतलब आपके पास अगर उतना बजट नहीं है तो आप कैसे जा सकते हैं खाटू श्याम के दर्शन के लिए, अगर आप भक्त हैं बाबा के, तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है और कम मतलब चीपेस्ट बजट में आप कैसे वहाँ के दर्शन करके दिल्ली वापस आ सकते हैं। तो तैयार हैं आप? जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो चलो जय हो, आप सभी कमेंट में लिखते चलें हरे के सहारे बाबा श्याम की जय। तो चलो इंतजार करते हैं और देते हैं रेडी यार अपना जर्नल कोच है। ये हमारा टिकट पड़ा है 3 लोगों का 420 रुपये का, मतलब 1 पर्सन का 140 आ रहा है। तो भी जब ट्रेन यहाँ से निकलेगी तो आपको दिखाएंगे, बाकी वहाँ पहुँचते हैं। और जो मैंने ये ट्रेन के बारे में बात की जो आपको ये दिख रही है, ये ट्रेन यहाँ से निकलती तो वैसे तो 9:20 पे है और इसका कहना है कि ये 2 बजे पहुँचा देती है लगभग। तो देखो कितने बजे पहुँचाती है, 9:20 पे अगर यहाँ से निकलेगी तो इसके कई सारे स्टाफ भी यहाँ दिल्ली कैंट रुकती है, पालमी रुकती है, बिजवासन रुकती है, गुड़गांव रुकती है, गड़ी भर सरू रुकती है, मतलब अगर आप गुड़गांव से भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। बाकी ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलती है और यहाँ पे अभी इतनी भीड़ आपको दिख रही होगी, लोग आ ही जा रहे हैं और रेवाड़ी भी जा सकते हैं इससे, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टाफ है इसके। और जयपुर ये 2:20 पे पहुँचाती है और वहाँ से 2:30 में निकलती है, मतलब 10 मिनट का स्टाफ वहाँ पे भी इसका है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये ट्रेन पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन से चल के जोधपुर जाती है, जो कि जोधपुर ये कल सुबह 7:30 से पहुँचेगी, 618 किलोमीटर का सफ़र है इसका जो कि ये तय करती है, और जोधपुर ये 7:30 से पहुँचाती है। तो चलो अभी हम लोग बैठते हैं और चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में अगर कहीं हो सकता है तो, नहीं तो सीधा जयपुर में मिलेंगे। श्याम बाबा की जय श्री श्याम। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी जयपुर। ये रहे भैया, क्या हाल है भैया? बढ़िया बढ़िया। टाइम क्या हो रहा है? 3:09 हो रहा है। 3:09 हो रहा है, 1 घंटा लेट थी और मतलब मजा आ गया भाई। भाई क्या टाइमिंग थी, कब पहुंच रहा है, ठंड बहुत लग रही है। ठंडी का है यार, हम ज़्यादा एकदम गर्मी में। और ये कहना चाहूँगा कि मतलब यार हम तो देखो आ तो गए 140 में यहाँ पे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी आते हो, अगर आप अकेले हो, मतलब जैसे हम लोगों के जैसे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके साथ फैमिली है ना तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जानी है, तो आप ऐसे में कोई दूसरा मतलब तरीका भी अपना सकते हो, मतलब ट्रेन से ही आ सकते हो अगर रिजर्वेशन है आपके पास, या फिर आप बस से आ सकते हो मेरे हिसाब से। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आ गया, ठंड है ना तो मतलब ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। चलो बाहर निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो जब हम पहुंच गए यहाँ पे जयपुर जंक्शन, तो यहाँ के एग्जिट गेट से हमें सामने जाना होता है लगभग 1 किलोमीटर सिंधी कैंप बस स्टैंड, और वहाँ जाने के लिए हम किसी भी ऑटो वाले भैया के साथ जा सकते हैं। और ऑटो वाले भैया ने वहाँ तक जाने के लिए हमसे चार्ज करे थे 50 रुपये 3 लोगों के, लेकिन वैसे 10 रुपये पड़ते हैं, तो रात थी इसकी वजह से उन्होंने 50 रुपये चार्ज करे थे 3 लोगों की। कोई बात नहीं, अब आगे क्या होता है वीडियो में आप खुद ही देखिए। और चलिए तो अभी हम आ चुके हैं सिंधी कैंप बस स्टैंड और ये दिख रहा होगा आपको, और यहाँ तक के लिए वैसे तो अभी हमने 3 लोगों के 50 नहीं है, रात है इसकी वजह से,
दिन में आप आएंगे तो जयपुर रेलवे स्टेशन के सामने से 10-10 रुपये में छोड़ते हैं यहाँ तक। और यहाँ पे आने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप 80 या 100 रुपये देकर कोई गवर्नमेंट मतलब सरकारी बसें चले जाओ, प्राइवेट से जाना तो 180 के आसपास लगेगा। तो आप आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हो, बाकी भी हम देख रहे हैं हमें कौन सी मिलती है, क्योंकि याद है तो मुझे नहीं पता है, बाकी चलो देखते हैं, देख के फिर आपसे बताते हैं। और ये मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ पे उत्कर्ष सिंधु धाम, तो अगर आप मेट्रो से वहाँ से आना चाहते हैं तो सामने मेट्रो था, मेट्रो से भी आ सकते हो, वो भी बेस्ट ऑप्शन है। बाकी चलो देखते हैं फिर आपसे बताते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री राम। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा के धाम पे, और बस थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है, और भाई सुबह हो गई और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख लो क्या माहौल है अभी, और वाकई बहुत ही सुंदर लग रहा है यार, ये देखो आप, ये रहे भैया, और ये रहे, ये देखो, हेलो गाइस, हारे के सहारे बाबा श्याम की। तो अभी चलते हैं, और मतलब भाई ठंड भयंकर हो रही है, और फाइनली भी पहुँच चुके हैं, बस से हम लोग आए थे वो बस पीछे खड़ी हुई है, और वो जहाँ से मैंने बताया ना सिंधी बस स्टैंड से, वहीं से वो मिल गई थी, और उसका जो फेयर था वो 120 रुपये पड़ा है, वैसे तो वो 80 रुपये होता है, लेकिन संडे और रात भी थी इसी वजह से वो 120 पड़ा है। तो अभी आगे चलते हैं और आगे देखो क्या होता है। ये देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा माहौल है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, आपको दिख रहा होगा मतलब, तो अगर बात करें तो दिल्ली से हमें यहाँ तक पहुँचने में जो टोटल फेयर लगा है वो 140 रुपये लगा है उसका ट्रेन का, और 120 रुपये लगा है बस का जयपुर से यहाँ तक के लिए, और 10 रुपये मान लो उसका ऑटो का लगा है, तो मतलब टोटल सर आप देख लो कितना लगा है, 270 रुपये लगा है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये देखो। तो चलो अब आगे चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। देखिए अगर आप इधर से आते हैं तो बस आपको वहाँ पे छोड़ेगी, ठीक है, जब आप ड्रॉप करेगी तो आप चाहे तो जाके कोई रूम ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे उसी के जस्ट बगल में दिख रहा होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क है, और यहाँ पे आपको 30 रुपये लगता है फ्रेश होने के लिए। भाई भयंकर भीड़ हो रही है यहाँ पे तो अभी मतलब सारी बसों में, और यहाँ से आप शौचालय में स्नान करना दोनों यहाँ पे आपको दोनों 30 रुपये में मिल जाएगा। तो अगर आपको पहले यहाँ से डायरेक्ट दर्शन करने जाना है तो आप इसको ले सकते हैं, और इसके बाद एकदम फ्रेश होकर फिर निकल सकते हैं दर्शन के लिए। और अगर आपको अभी ये मतलब जैसे कि आपको डायरेक्ट रूम ही लेना है कोई, तो फिर आप जाके कोई अच्छी सी डॉर्मेटरी देख के वहाँ पे रूम ले सकते हैं। तो अभी तो चलते हैं हम, और बाकी देखो मतलब फ्रेश वगैरह हम लोग हो चुके हैं। देखो भैया, हेलो हेलो भैया, भैया जय बाबा की श्याम नारायण। चलो भैया, हारे के सहारे बाबा श्याम की जय। तो अभी चल रहे हैं, और पहले हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या प्लान होता है, और मुझे लग रहा है कि इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो में पूरा कवर कर दूँ, पता नहीं अगर हो पाएगा तो मैं इसी वीडियो में कवर कर दूँगा, वरना इसका एक छोटा सा दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो अभी तो पहुँच गए लगभग, बाकी मतलब ठंड तो अब नहीं लग रही है, अभी तक लग रही थी अब नहीं लग रही है, और चलो चलते हैं अंदर फिर आपसे मुलाकात करते हैं। जी भैया ये देखो, ये है भैया, बस यही पे आने के बाद ना सारी थकान दूर हो जाती है, ये आपको दिख रहा होगा, और अभी हम यही पे भैया भी अपने कैमरे में कैद करने के लिए लगे हुए हैं, और इन मैंने फ़ोन निकाल लिया है, और ये देखो सर इसे बंद कर रखा है, इधर रास्ता है मतलब नहीं है, क्योंकि लोग अगर आएंगे जाएंगे तो ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, और लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, तो इसकी वजह से बाकी भीड़ तो काफ़ी है। तो चलो चलते हैं।